मकामे आराफ। नाज़रीने कराम, जन्नत और दोज़ख के दरमियान में एक दीवार है जिसे मकामे आराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जो जन्नतियों को भी देख रहे होंगे और दोज़खियों को भी देख रहे होंगे, और ये खुद वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर वज़न के होंगे। इसलिए फैसले तक इन लोगों को मकामे आराफ पर ठहरा दिया जाएगा जब तक कि इनके बारे में अल्लाह ताला कोई फ़ैसला ना फरमा दे, और ये लोग जन्नती लोगों को देखकर मुबारकबाद देंगे और हसरत करेंगे कि काश अल्लाह हमें भी इन्हीं लोगों में भेज दे, और फिर इनकी आँखें दोज़ख की तरफ फेर दी जाएंगी कि ज़रा जहन्नमियों का भी मुशाहिदा कर लें। उस वक़्त ये लोग कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें इन ज़ालिमों के साथ शामिल ना कर। ये लोग बीच में लटके हुए होंगे, जन्नतियों को देखकर सलाम करेंगे और जन्नत में जाने की तमन्ना करेंगे, और जहन्नुम को देखकर खौफ खाएंगे और रब की बारगाह से रहमो करम मांगेंगे। उस दिन अगर किसी एक की एक नेकी भी बुराइयों से कम पड़ गई तो वो जहन्नुम में जाएगा, और नेकी और गुनाह के बराबर वज़न के लोग मकामे आराफ पर होंगे, और अगर अल्लाह की रहमत शामिल हाल रही तो ये लोग भी जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, और अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो अपने बंदों पर इंशाअल्लाह ज़रूर रहम फरमाएगा। और इसके लिए हमें तोबा और इस्तग़फ़ार और अल्लाह से माफ़ी तलब करना होगी, क्योंकि जो लोग अपने रब से रहमत तलब करते हैं वो करीम रब, वो रहीम रब उन पर रहमत ज़रूर फरमाता है। अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें उस हश्र के बड़े दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिवाइल हम तले जमा करें। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।